हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंग्लिश ग्रामर क्लास नाइन्थ, फिल इन द ब्लैंक्स। यह फिल इन द ब्लैंक्स का आपका सेकंड पार्ट है। यदि इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, जहां से आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो। तो यहां पर आपका सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, दे कंप्लीटेड देयर वर्क। यहाँ पर सेंटेंस में ब्लैंक दिया हुआ है, दे के बाद दे कंप्लीटेड देयर वर्क। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हैज और हैव। हैज का इस्तेमाल कब करना है, हैव का इस्तेमाल कब करना है, ये हमें टेंस से पता चलेगा। यदि सब्जेक्ट आई और प्लूरल नंबर दिया हो, सब्जेक्ट यदि आई और प्लूरल नंबर दिया हो, मतलब आई और बहुवचन दिया हो, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर दिया हो, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, जिसे ही सी इट नेम, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल किया जाता है। हमें सब्जेक्ट देखना है, यहाँ पर दे लिखा हुआ है, ये प्लूरल नंबर है, दे का मतलब होता है वे, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल नंबर में है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आती है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हैव। They have completed their work, उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। सेवंथ सेंटेंस दिया हुआ, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को। ऑप्शन के रूप में यहाँ पर इन और ऑन का इस्तेमाल हुआ है, दो प्रपोजिशन दिए हुए, इन और ऑन, तो किसके साथ इन का प्रयोग होता है और किसके साथ ऑन का प्रयोग होता है। सबसे पहले तो जो ब्लैंक के सामने जो दिया है उसको देखना है। यहां पर डेट दी हुई है, ठीक है। इन और ऑन का इस्तेमाल कैलेंडर वाले टाइम के लिए यूज होता है, इन और ऑन, और एक प्रपोजिशन होता है एट, ये घड़ी वाला जो टाइम होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। कैलेंडर वाला जो टाइम होता है उसके लिए इन और ऑन का इस्तेमाल होता है। देखिए, जो कैलेंडर होता है उसमें दो प्रकार के टाइम होते हैं। सबसे पहले देखो कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती है, जैसे एग्जांपल के लिए कैलेंडर है, ठीक है। अब इस कैलेंडर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। कैलेंडर में सबसे ऊपर एक तो ईयर दिया होता है ना, ईयर मतलब वर्ष डला होता है कैलेंडर के ऊपर। इसके बाद में उसमें प्रत्येक पेज के ऊपर मंथ महीने का नाम दिया होता है। उस कैलेंडर में डेट्स दी हुई होती है, डेट्स मतलब दिनांक, और उसमें डेज दिए होते हैं, मतलब दिनों के नाम। एक कैलेंडर में ये चार चीजें होती है, ठीक है। और कैलेंडर वाला जो टाइम होता है उसमें प्रपोजिशन इन और ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें देखना है कि किसके साथ इन का इस्तेमाल होता है और किसके साथ ऑन का इस्तेमाल होता है। जो मंथ और ईयर होते हैं, मंथ और ईयर, वर्ष और माह के जो नाम होते हैं, उनके लिए प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल किया जाता है। और जो डेट्स और डेज होते हैं, दिनांक और दिनों के जो नाम होते हैं, उनके लिए प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें क्या है, यहां पर देखना है ब्लैंक के सामने क्या दिया हुआ है। यहां पर डेट दी हुई है 25th, यहां पर एक डेट दी हुई है, यहां पर मंथ का नाम भी दिया हुआ है, लेकिन ब्लैंक के सामने वाले वर्ड को देखना है हमें। ब्लैंक के सामने क्या आ रही है, डेट्स आ रही है, क्या आ रही है यहां पर, डेट्स। जब डेट आती है तो उसके लिए प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, तो सही ऑप्शन होगा यहां पर ऑन। हाउ पेंस डिड यू रीड, दो डिटर्मिनर्स दिए हुए हैं, मच और मेनी। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, अनकाउंटेबल जो नाउन होती है उसके लिए मच का इस्तेमाल होता है, ऐसी चीजें जिनको गिन नहीं सकते। मेनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि जो ब्लैंक दिया हुआ है, इस ब्लैंक के जो बाद जो वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को देखना है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। यहां पर पेंस लिखे हुए,
पेज, है ना, हाउ पेज डिड यू रीड, तुमने कितने पेज पढ़े। अब जो पेज है उन पेज को हम गिन सकते हैं, किसी भी बुक के जो पेज होते हैं उनको गिना जा सकता है, मतलब वो पेज होते हैं काउंटेबल होते हैं, है ना। अब जो काउंटेबल होते हैं उनके लिए मेनी का इस्तेमाल होता है, तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर बनेगा मेनी। नाइन्थ सेंटेंस दिया हुआ है, द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी गिव। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म दी हुई है, दोनों फर्स्ट फॉर्म है, एक गिव है और एक गिव में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, गिव और गिव्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस पहले टेंस में जोड़ते हैं, नाम है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट ही, सी, इट और जो नेम होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और उसमें एस या ईएस जोड़ा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, एक में एस लगा हुआ है और एक विदाउट एस वाली वर्ब है। अब यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है क्योंकि द बैंक के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अब हमें यह कंफर्म करना है इसमें वर्ब एस वाली भरे या बिना एस वाली भरे, तो यहां पर बैंक लिखा हुआ द बैंक। अब ये बैंक क्या है, सिंगुलर नंबर में है मतलब एक वचन में है, है ना, तो ये क्या है, एक नेम है, क्या है ये, नाउन है ये, है ना, बैंक। और ये क्या है, सिंगुलर नंबर है मतलब एक वचन है और जो एक वचन होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस। देयरफॉर हम इसमें गिव्स का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज यहां पर बैंक सिंगुलर नंबर में दी हुई है इसलिए हम इसमें गिव्स लिखेंगे। लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, द रेनी सीजन, रेनी सीजन मतलब वर्षा का मौसम या वर्षा ऋतु, द रेनी सीजन स्टार्ट्स, वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, द समर, समर मतलब गर्मी, गर्मी के बाद या पहले, जो वर्षा ऋतु है वो गर्मी के बाद आती है कि पहले आती है ये हमें कंफर्म करना है। ये तो सबको पता है जो वर्षा होती है वो गर्मी से बाद में आती है कि पहले आती है, बताइए गर्मी के बाद आती है कि पहले आती है, बोलिए, बाद आती है, मतलब गर्मी होती है उसके बाद में क्या शुरू होती है, बारिश, है ना। तो यहां पर बाद, आफ्टर मींस बाद, आफ्टर मींस क्या होता है, बाद में, द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर, आफ्टर द समर, जो वर्षा ऋतु होती है वो समर ऋतु के मतलब गर्मी के बाद आती है या गर्मी के बाद शुरू होती है, तो सही ऑप्शन हमारा यहां पर होगा आफ्टर।